इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई। ये देखो गाइज एक और मैसेज, ये दोबारा से मैसेज आया भाई मेरे पास और इसको देखकर मेरा दिल धक्की सी करने लग गया। सही बोल गाइज, क्या आपके पास आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक इमरजेंसी अलर्ट एक्सट्रीम नाम से मैसेज पॉपअप हो रहा है और बहुत ऐसे मेरे भाई जो इसको घबरा भी रही हैं, ये पता नहीं क्यों आ रहा है भाई हमारे मोबाइल के अंदर और ये सभी मोबाइल फोन के अंदर आ रहा है। मेरे पास चार पांच मोबाइल फोन थे, चार पांच मोबाइल फोन के अंदर आया, मेरे भाई के पास, मेरे दोस्त के पास, सबके पास ये मैसेज आया। और भाई जब ये मैसेज आता है ना बहुत ज्यादा बीप की आवाज भी आता है, मेरे पास बहुत सारी कॉल भी आई कि भाई हमारे पास एक ऐसा मैसेज आ रहा है भाई, इसके बारे में बताओ गलत है सही है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। यह भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण है, ठीक है, परीक्षण संदेश है। कृपया संदेश पर ध्यान ना दे क्योंकि इस पर आपकी ओर से किसी कार्रवाई। ये देखो गाइज एक और मैसेज, ये दोबारा से मैसेज आया भाई मेरे पास और इसको देखकर मेरा दिल धक्की सी करने लग गया। सही बोल रहा हूं, दिल धक्की सी करने बोल गया गाइज, दिल धक्की सी कर रहा है मेरा दिल एकदम से, क्योंकि एकदम से इसकी आवाज ऐसी है भाई, इसको देखकर भी डर लग रहा है, ठीक है। तो ये बारस तो फिर से यहां पर, और अब तो भाई मेरी स्क्रीन ही ब्लैंक हो गई पूरी। ये देखो भाई पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई यार, पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई, पता नहीं ये क्या हुआ यार, भाई पूरी स्क्रीन ग्रे हो गई गाइस, फोन ही चलना बंद हो गया, फोन चलना बंद हो गया भाई। अब खुला है फोन, ये तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है भाई, ये फोन ही चलना बंद हो गया था भाई मेरा, तो बिल्कुल ब्लैक हो गया था फोन में, आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं गाइस। और ये लाइव ही आया मेरे पास, अभी मैंने कोई नहीं किया था, अभी लाइव आया था और पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गई थी, अब दोबारा से आ गया। तो गाइस ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ये बोलेगा भाई आपकी ओर से इस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अखिल भारतीय आपात अलर्ट सिस्टम को जांचने हेतु भेजा गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना। तो गाइस अब बात ही आती है कि भाई ये जो मैसेज है ये सही है या गलत है, इससे मैं डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। देखिए जिस तरीके से आवाज आ रही है उस तरीके से तो भाई बिल्कुल डर लगता है, और जिस तरह का ये मैसेज है ये बोले कि हम भारत सरकार की ओर से भेज रही है। अब ऐसे तो सभी मोबाइल फोन के अंदर जिसमें सिम भी नहीं है उसमें भी ऐसे पॉपअप नहीं आ सकता है, भारत सरकार की ओर से होगा, दूरसंचार विभाग की ओर से होगा, तभी आपके फोन के अंदर आ रहा है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, हो सकता है कोई टेस्टिंग वगैरह चल रही हो, ठीक है, तो टेंशन मत लो, आपके पास भी इस तरह का मैसेज आ सकता है, डरो मत।